हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12th. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6. यहाँ पे 13π/6 जो है बड़ा एंगल है जो कि इसकी रेंज में नहीं आता है, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे. ठीक है, तो 13π/6 को लिख सकते हैं 2π + π/6. और cos 2π + θ आपके पास आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहली बात तो इस पर कन्वर्ट नहीं होगा, तो cos cos रहेगा, cos π/6. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है ऑल साइंस आर पॉजिटिव, तो ये प्लस का ही cos π/6 आएगा. cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा π/6. ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, 10 इनवर्स 7π/6. ये भी आपके पास जो वैल्यू रेंज से बाहर है इसको भी ब्रेक करेंगे. इसको ब्रेक करेंगे π + π/6, 6π + π 7π/6. 10 180 + θ आपके पास जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो आपके पास प्लस का 10π/6. फिर आपके पास इनवर्स जो है 10 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा π/6. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट 2 sin inverse 3π/5 = 10 inverse 24/7. अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, साइन इनवर्स 3/5 को आप x मान लीजिए. ठीक है, तो यहां से इनवर्स इधर आ जाएगा, तो 3/5 = sin x. साइन एक्स के लिए मैंने ट्राइंगल बना लिया है, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस आ जाएगा 4. और साइन से वैल्यू निकालता हूं 10 की, तो 10x = 3π/4 या x = 10 inverse 3π/4. तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3π/4 की वैल्यू कितनी थी, x थी, और x की जगह क्या है आपके पास 10 inverse 3π/4. तो मैं साइन इनवर्स 3/4 के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, 10 inverse 3/4. चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं. देखिए 2 sin inverse 3/5, मैंने अभी बताया था इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 inverse 3/4. तो 2 10 inverse 3/4. अब आपके पास 2 10 inverse x का फॉर्मूला होता है 2x upon 10 inverse 2x upon 1 minus x square. तो 10 इनवर्स ये ना 2 × x के प्लेस पे 3/4 है, 3/4 आ गया, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16. सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 inverse 24/7. ये इसका क्वेश्चन नंबर 3rd था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 = 10 की साइन को 10 की फॉर्म में लाना है. तो आप इस साइन को भी 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस साइन को भी 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. चलिए कर लेते हैं. साइन इनवर्स 8/17 मैंने ट्राइंगल बनाया एक्स अपोज करके, यहां से मुझे अगर 10 की वैल्यू निकालू तो 8/15 आएगी, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा 10 inverse 8/15, ये वैल्यू आ जाएगी. इस वाले ट्राइंगल से ये बनाया मैंने यहाँ पे, sin inverse 3/5 ये 3 हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 5, पाइथागोरस से ये आ जाएगा 4. 10 की वैल्यू निकालूंगा तो 3/4, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा 10 inverse 3/4. अब 10 inverse a + 10 inverse b का फॉर्मूला, a + b 1 - a × b, 10 inverse. यहाँ पे सिंप्लीफाई करा तो 10 inverse 77/36 आपके पास आंसर आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. 5 में लेफ्ट साइड में दोनों कॉस इनवर्स दिए हुए हैं, राइट साइड में आपको कॉस में ही आंसर लेके आना है. बिल्कुल पहले एक तरह करेंगे, पहले कॉस को कन्वर्ट करेंगे 10 में. तो फर्स्ट ट्राइंगल लिखा है, फर्स्ट कॉस इनवर्स 4/5, इसके लिए मैंने बेस ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3. यहां से 10 बनाओ तो 3/4 आएगा, तो ये आ गया 10 inverse 3/4. इस वाले के कॉस इनवर्स के लिए मैं यहां से बना रहा हूं वाई सपोज करके, तो यहां से मेरे पास आ रहा है 12/30, 12 base hypotenuse 13, यहां पे परपेंडिकुलर आ जाएगा 5. तो पाइथागोरस सॉरी, तो यहां से अगर मैं इस ट्राइंगल से हेल्प से वैल्यू निकालता हूं 10 की, तो 10 आएगी 5/12, तो 10 inverse 5/12 आ गया इसके प्लेस पे. पहले की तरह 10 inverse a + b का फॉर्मूला, a + b 1 - a × b, 10 inverse के साथ. ये सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 inverse 56/36 ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपका आंसर कॉस में चाहिए यहां पे. तो मैंने एक और ट्राइंगल बना लिया इसके लिए, जहां पे बेस रखा है सॉरी परपेंडिकुलर रखा है 56 और बेस रखा है 33. पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा 65. अब आपको क्योंकि आंसर कॉस में चाहिए, तो यहां से कॉस की वैल्यू 33/65 होना चाहिए, जो कि 10 इनवर्स के प्लेस पर आ जाएगी. तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, कॉस इनवर्स 33/65 इस 10 के प्लेस पे, थर्ड ट्राइंगल के हेल्प से. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 = sin inverse 56/65 प्रूफ करना है. पहले की तरह ही क्वेश्चन है, cos को भी आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए
और साइन को भी। तो कॉस को कन्वर्ट करा ट्राइंगल से और साइन को कन्वर्ट करा, तो दोनों तरीके से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कराया, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी का, तो ये हो गया ए प्लस बी वन माइनस ए इंटू बी। सिंप्लीफाई करो तो आपके पास टेन इनवर्स 56 अपॉन 33, लेकिन आंसर आपका साइन में चाहिए। तो आपने एक बार ट्राइंगल फिर से बनाया, 10 में 56 हो गया परपेंडिकुलर, 33 हो गया बेस, पाइथागोरस लगाया तो हाइपोटेनस 65 आया, और 65 हाइपोटेनस से आपको निकालना है साइन इस ट्राइंगल से। तो साइन की वैल्यू होगी 56 अपॉन 65 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इसका प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से देखें, यहां पे प्रूफ करना है टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल टू साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स। आप राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे कॉस इनवर्स। ट्राइंगल की हेल्प से आप पहले की तरह 10 बना लीजिए, 5 अपॉन 13, 5 ये रहा 13 और 12 आएगा, तो 10 बनेगा 5 अपॉन 12, ये आ गया 10 इनवर्स। कॉस इनवर्स में 3 अपॉन 5 बेस 3 हाइपोटेनस 5 पाइथागोरस आ जाएगा 4, 10 बनेगा 4 अपॉन 3, तो 10 इनवर्स 4 अपॉन 3। पहले की तरह 10 ए प्लस 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी वन माइनस ए इंटू बी, सिंप्लीफाई करो तो 63 अपॉन 16 आ गया। यही आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर 10 इनवर्स की चार वैल्यूज दी हुई है, देर आर फोर वैल्यूज। तो फर्स्ट टू को मिला के आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, नेक्स्ट सेकंड टू को मिला के लास्ट टू को मिला के एक फॉर्मूला बनाएंगे। फर्स्ट टू में 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला, और लास्ट टू में भी 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला। इन दो को सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आया 6 अपॉन 17, इन दो को सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आया 11 अपॉन 23। यहां पे जब आपके पास दोबारा से 10 इनवर्स ए और 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला बन गया, तो एक बार फिर से अप्लाई कर दीजिए। इस बार ए की जगह 6 अपॉन 17, बी की जगह 11 अपॉन 23। सिंप्लीफाई करा आपने एलसीएम लेके, और ये आपके पास आएगा 325 अपॉन 391 अपॉन 66, और इसको जब आप माइनस करोगे 325 अपॉन 391 माइनस 66, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 325 अपॉन 325 ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और 10 इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है वो पाई बाय 4 की होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है पाई बाय 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, 10 इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये प्रूफ करना, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। हमने लिखा 10 इनवर्स रूट एक्स, इसमें क्या करा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 10 इनवर्स रूट एक्स। अब ये 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी एंगल दिया होगा उसका स्क्वायर 1 के साथ माइनस और प्लस। सो 1 बाई 2 कॉस इनवर्स, यहां पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, और 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स कॉस इनवर्स 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। सबसे पहले आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ऊपर जो आपके पास बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो पहली टर्म आएगी ए स्क्वायर, दूसरी टर्म आएगी बी स्क्वायर, तीसरी टर्म आएगी 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में, या आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसको ओपन करा तो 1 प्लस साइन एक्स, इसको ओपन करा तो 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि अंडर रूट हट जाएंगे प्लस का 2, यहां पे अंडर रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 कॉस एक्स आएगा बाद में, अभी नेक्स्ट लाइन में। यहां पे देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, और ये 2 और कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स, डिनोमेटर में 1 से 1 कैंसिल, साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन आपके पास बचा कॉट एक्स बाई 2, इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा एक्स बाई 2, जो कि इसका आंसर था। सॉरी एक बार देख लीजिए, यहां से दिखाई नहीं दिया होगा, यहां से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस कॉस एक्स बचा, 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे इसका फॉर्मूला तो बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को ब्रेक करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन बना कॉट एक्स बाई 2, कॉट से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर बचेगा एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
यहाँ पे देख लीजिए, प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर वन माइनस टू वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए यहां पे पुट कर लेते, लेट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, या टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए जहां जहां आपके पास एक्स है वहां पे कॉस टू थीटा पुट कर लेते हैं, तो वन प्लस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लास लेने बहुत बार करे होंगे, वन प्लस कॉस टू थीटा की जगह टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह टू साइन स्क्वायर थीटा। जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट टू तो रूट टू रहेगा, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस, साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन थीटा, और रूट टू मैंने बाहर ले लिया कॉमन। ऐसी रूट टू यहां से कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का बचेगा कॉस, साइन स्क्वायर का बचेगा साइन, रूट टू से रूट टू कैंसिल। अब आप इस पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, यहां कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे वन, साइन अपॉन कॉस टेन, यहां पे कॉस से कॉस को डिवाइड करा तो वन, साइन अपॉन कॉस टेन। तो ये फॉर्मूला होता है टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा का, इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा पाई बाय फोर माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू आपने यहां पर रखी हुई थी वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पे पाई बाय फोर माइनस थीटा आया था, वैल्यू पुट कर दीजिए पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखे 9 पाई बाय 8 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3, यहां से मैंने 9 बाय 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा है पाई बाय 2 यहां से, और साइन इनवर्स 1 बाय 3। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और अगर मैं पाई बाय 2 की तरह साइन इनवर्स एक्स को लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो इसके प्लेस पे आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स, एंगल 1 बाई 3 है तो 1 बाई 3 ही आएगा। तो 9 बाई 4 कॉस इनवर्स 1 बाई 3, कॉस इनवर्स को अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो कॉस के लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो यहां पे 1 और यहां पे हाइपोटेनस 3, पाइथागोरस ही आएगा रूट। मुझे आंसर साइन में चाहिए तो मैं यहां से साइन की वैल्यू निकाल रहा हूं, रूट 8 अपॉन रूट 3, तो इसके प्लेस पे आ गया साइन इनवर्स रूट 8 अपॉन रूट 3, तो 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, यही आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में 2 tan inverse cos x, tan inverse 2 cos x, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए लिखते हैं 2 tan inverse cos x, अब आपके पास जो एंगल दिया हुआ है इनवर्स के साथ वो cos x है, तो एज ए एंगल में इस cos को यूज करूंगा। tan inverse 2 cos x, tan inverse 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है 2x upon 1 minus x square, तो 2 into x के प्लेस पे तो cos x आ जाएगा, 1 minus x square के प्लेस पे cos square x हो जाएगा, और यहाँ पे tan inverse 2 cos x एज इट इज रहेगा। जब आप कंपेयर करते हैं दोनों तरफ इनवर्स है तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, तो 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा sin स्क्वायर x के, और यहाँ पे हो गया 2 cos x। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x को, और इसको लिख दीजिए 2 अपॉन sin x। अब एक sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन sin इक्वल टू 1 बचेगा, या cos x इक्वल टू sin x, cos से डिवाइड कर दीजिए तो 1 इक्वल टू 10x हो जाएगा, cos से cos को डिवाइड करेंगे 1, sin अपॉन cos हो जाएगा 10, और 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4 की, तो यहां से कंपेयर कर लीजिए x की वैल्यू आपको पाई बाय 4 मिल रही है क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में tan इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपने एज इट इज लिख दिया, अब आप क्या कर रहे हैं इस फॉर्मूले को देखिए, यहां से बन रहा है फॉर्मूला ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। अगर आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करो तो यही टर्म नहीं बन के आएगी, देखना tan इनवर्स a की जगह 1, a माइनस b की जगह x, फिर 1 इंटू ए बी, तो 1 इंटू एक्स एक्स ही आएगा, तो आप इसके प्लेस पे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। इधर राइट साइड में 1 बाई टू टेन इनवर्स एक्स ही रहेगा, यहां पे टेन इनवर्स आएगा, टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स एक्स। अब आप टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स की तरफ ले जाइए, तो यहां पे टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होगी पाई बाय 4 की, तो मैंने इसके प्लेस पे पाई बाय 4 रख दिया है, सो पाई बाय 4 इक्वल टू 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स ये वाला, और ये इधर आके प्लस का हो गया टेन इनवर्स एक्स, 1 बाई 2 ये रहा और 1 ये रहा, ऐड करेंगे तो 3 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या टेन इनवर्स एक्स को इधर ले जाइए, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इसको और इसको सिंप्लीफाई कर ली तो आ जाएगा पाई बाय 6।
या x इक्वल टू 10 पाई बाय 6 और पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x की वैल्यू 1/√3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 14 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में साइन और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ उसकी जगह टेन इनवर्स x है और x के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 1। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ तो यहाँ पे tan होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जगह x और बेस की जगह 1। पाइथागोरस लगाऊं तो हाइपोटेन्यूस आएगा √1 + x². अब इसकी जगह मुझे साइन लाना है जिससे कि साइन से साइन कैंसिल हो जाए, तो इस ट्राइंगल से tan इनवर्स x वाले से आपसे यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालिए, साइन आएगा x अपॉन √1 + x², तो tan इनवर्स x था तो यहाँ पे इसके प्लेस पर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x². इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, आपके पास क्या बचेगा, x अपॉन √1 + x², ये आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके पास लिखा है साइन इनवर्स 1 - x - 2 sin inverse x = π/2 और हमने क्या सपोज करा, लेट x इक्वल टू साइन वाई या वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो जहां जहां आपके पास x है वहां पे साइन वाई रख दीजिए और जहां पे साइन इनवर्स x है वहां पे y रख दीजिए। तो साइन इनवर्स 1 - x की जगह साइन वाई, 2 × sin inverse x की जगह y = π/2। साइन इनवर्स 1 - sin 2y को राइट साइड में ले गया, π/2 + 2y। अब इनवर्स को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा साइन π/2 + 2y 1 - sin y। साइन 90 + θ होता है cos थीटा, तो ये हो गया cos 2y। cos 2y का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin²y, ये हाफ एंगल फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया मैंने। इसमें से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, तो ये 2 sin² को राइट में लेफ्ट साइड में ले आइए, 2 sin²y - sin y = 0। साइन y की वैल्यू कितनी थी, x, तो ये हो जाएगा 2x² - x, x कॉमन लिया 2x - 1, तो x की वैल्यू 0 और 1/2, ठीक है, x की वैल्यू 0 और 1/2 आई यहाँ से कॉमन लेने के बाद, तो आपके पास जो x = 0 है वो C ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोलता है tan इनवर्स x अपॉन y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है ये पूरा आपको बताना है। इस एंगल को आप a मान लीजिए, इस एंगल को b मान लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + a × b। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो x × x + y और y × x - y, डिनोमेटर में y × x + y आएगा, यहाँ पे y × x + y की मल्टीप्लाई तो 1 के साथ हो जाएगा और x × x - y रहेगा डिनोमेटर y × x + y, डिनोमेटर की वैल्यू कैंसिल हो रही है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये बच रहा है आपके पास x × x (x²), x × y (x y), -y(x) - -+y²। यहाँ पे y × x (y x), y × y (y²), x × x², x y से x y कैंसिल, x² + y² और डिनोमीटर में x² + y² ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास वैल्यू बचेगी tan इनवर्स 1 और ये वैल्यू किसकी होती है, π/4 की, तो यही आपका आंसर है।